तो कैसे हैं आप लोग? अगर आप लोग भी आकाश चोपड़ा की कमेंट्री जो है अनलॉक करना चाहते हो, लेकिन आपको नहीं मिल रही वो कमेंट्री, भले ही आप बार बार उस पर क्लिक कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने मैच में उनकी कमेंट्री जो है नहीं लगा पा रहे, यानी अनलॉक करना चाहते हो उनकी कमेंट्री, तो कैसे कर सकते हो अनलॉक, वही बताने वाला हूँ आज की सुड में। तो चलिए दोस्तों, बिना वे टाइम वेस्ट करते हुए आते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैच चाहे कोई भी लगा लेते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो है अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिलती हैं, लेकिन मुझे क्या करना है, कमेंटेटर पे क्लिक करना है। कमेंटेटर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संजय मांजरेकर और आकाश चोपड़ा की कमेंट्री जो है इंग्लिश में ऑप्शन आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ये सिलेक्टेड भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे दोनों ही कमेंटेटर्स की कमेंट्री जो है सिलेक्ट हो चुकी है। हो सकता है मैं एक की कमेंट्री भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन दोनों की कमेंट्री यहाँ रख लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी ऑप्शन नहीं आ रही, अभी मैं आपको बता दूँ आपको कैसा देखने को मिल रहा होगा। आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल रहा होगा कि बाकी कमेंटेटर्स की कमेंट्री आप सिलेक्ट ही नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक ही कमेंटेटर की कमेंट्री जो है सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो कि मुझे दोनों कमेंटेटर्स की कमेंट्री जो है इंग्लिश में सिलेक्ट करने की ऑप्शन आ रही है। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपको ऐसी ऑप्शन देखने को मिले, तो आपको करना क्या होगा, आपको अनलॉक कैसे करनी है उनकी कमेंट्री, तो आपको सबसे पहले बैक आ जाना है। जी हाँ दोस्तों, बैक आ जाना है, होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है आपको सबसे पहले। जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे टॉप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको देखने को मिलेगा क्वेस्ट का ऑप्शन, उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद सबसे यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो स्पिन द व्हील है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको फाइव ऑप्शन, फाइव स्पिन्स मिलते हैं, हालांकि मैंने फाइव के फाइव ही यूज़ कर लिए हैं। तो इनको कैसे आपने प्राप्त करना है, आपको एक ऐड देखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जो आपकी किस्मत में कमेंट्री हुई वो आपको ऑटोमेटिकली देखने को मिल जाएगी। ना सिर्फ कमेंट्री बल्कि जो मल्टीप्लेयर में एमपी वगैरह भी होते हैं, कुछ कॉइन्स वगैरह मल्टीप्लेयर के, वो भी आपको इसी तरह से देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से आपको कमेंट्री भी पर मैच के लिए देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं वहाँ पे आकाश चोपड़ा की कमेंट्री के नीचे एक लिखा हुआ आ रहा था, यानी एक मैच के लिए वो अनलॉक हो चुकी है। और पर डे आपको फाइव स्पिन्स मिलते हैं, यानी पर डे आप जो है कमेंट्री अनलॉक कर सकते हो अलग अलग। तो बस यार इतना था आज की सुड में, आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी।